उपमंडल धर्मशाला में फैले डायरिया को लेकर राहत की खबर मंगलवार को सामने आई। मंगलवार को डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में महज 3 नए मामले सामने आए हैं। अब तक क्षेत्रों में कुल 105 लोगों को डायरिया अपनी चपेट में ले चुका है। 11 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं डायरिया के 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। बाकी मरीज डायरिया से स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि डायरिया को लेकर हालात काफी हद तक काबू में है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और डायरिया के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में महज 3 ही नए मामले सामने आए। डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में डायरिया के मामले आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सीएमओ ने कहा कि खंड चिकित्सा अधिकारी तियारा की निगरानी में 3 रैपिड रिस्पांस टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय है। रैपिड रिस्पांस टीमें घर घर जाकर लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है। लोगों को दवाइयाँ, ORS और जिंक की गोलियाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले जो था, हमें जो धर्मशाला का नज़दीक का क्षेत्र है, 3 पंचायतें हैं, शीला, पासू और सुक्कड़, वहाँ से एक आउटब्रेक रिपोर्ट हुई थी डायरिया की। विभाग की उसके ऊपर पैनी नज़र थी। कल शाम तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 105 टोटल केसेस आए, उसमें से सिर्फ 11 लोग की जो हैं प्रेजेंटली उपचाराधीन हैं, बाकी स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ 2 रोगी हैं जो एडमिट है, बाकी का इलाज जो है वो घरों में किया जा रहा है। और मामले दिन प्रतिदिन अब कम हो रहे हैं पहले से। जो पिछले कल मात्र 3 मामले हमें रिपोर्ट हुए, जो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2-3 मामले आना जो है वो नॉर्मल बात भी हो सकती है। यूजली जो है ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होती है, पानी की वजह से होता है। जितने हमने सैम्पलिंग करवाई थी, जो मेन सोर्सेज थे, उसमें सैंपल नॉर्मल पाए गए। एक पर्टिकुलर वाटर टैंक में, किसी व्यक्ति के घर के वाटर टैंक में ईकोलाई की कंटेमिनेशन पाई गई थी। जो भी स्वच्छता के तौर पे जो भी कदम लिए जाने थे और IEC के तौर पे वो लिए जा चुके हैं और वर्तमान में स्थिति जो है कंट्रोल में है। उस क्षेत्र में हमारी टीमें एक्टिव हैं, उपचार करने के साथ साथ लोगों को जो है IEC के द्वारा जागृत किया जा रहा है क्या किया जाए, और पीने वाली पानी को यूज करने के लिए उनको क्लोरीन की टैबलेट्स भी मारती जा रही है। धर्मशाला से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। उपमंडल धर्मशाला में फैले डायरिया को लेकर राहत की खबर मंगलवार को सामने आई। मंगलवार को डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में महज 3 नए मामले सामने आए हैं। अब तक क्षेत्रों में कुल 105 लोगों को डायरिया अपनी चपेट में ले चुका है। 11 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं डायरिया के 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। बाकी मरीज डायरिया से स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि डायरिया को लेकर हालात काफी हद तक काबू में है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और डायरिया के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में महज 3 ही नए मामले सामने आए। डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में डायरिया के मामले आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सीएमओ ने कहा कि खंड चिकित्सा अधिकारी तियारा की निगरानी में 3 रैपिड रिस्पांस टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय है। रैपिड रिस्पांस टीमें घर घर जाकर लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है। लोगों को दवाइयाँ, ORS और जिंक की गोलियाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले जो था, हमें जो धर्मशाला का नज़दीक का क्षेत्र है, 3 पंचायतें हैं, शीला, पासू और सुक्कड़, वहाँ से एक आउटब्रेक रिपोर्ट हुई थी डायरिया की। विभाग की उसके ऊपर पैनी नज़र थी। कल शाम तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 105 टोटल केसेस आए, उसमें से सिर्फ 11 लोग की जो हैं प्रेजेंटली उपचाराधीन हैं, बाकी स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ 2 रोगी हैं जो एडमिट है, बाकी का इलाज जो है वो घरों में किया जा रहा है। और मामले दिन प्रतिदिन अब कम हो रहे हैं पहले से। जो पिछले कल मात्र 3 मामले हमें रिपोर्ट हुए, जो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2-3 मामले आना जो है वो नॉर्मल बात भी हो सकती है। यूजली जो है ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होती है, पानी की वजह से होता है। जितने हमने सैम्पलिंग करवाई थी, जो मेन सोर्सेज थे, उसमें सैंपल नॉर्मल पाए गए। एक पर्टिकुलर वाटर टैंक में, किसी व्यक्ति के घर के वाटर टैंक में ईकोलाई की कंटेमिनेशन पाई गई थी। जो भी स्वच्छता के तौर पे जो भी कदम लिए जाने थे और IEC के तौर पे वो लिए जा चुके हैं और वर्तमान में स्थिति जो है कंट्रोल में है।
जागरूक करी क्या? नहीं, क्या वो उस क्षेत्र में हमारी टीमें एक्टिव हैं, उपचार करने के साथ साथ लोगों को जो है आईसी के द्वारा जागृत किया जा रहा है क्या किया जाए, और पीने वाली पानी को यूज़ करने के लिए उनको क्लोरीन की टैबलेट्स भी बांटी जा रही हैं। धर्मशाला से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज़ हिमाचल। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। महंगाई की मार पर अब होगा वार, पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एवरी डे एट सेंट थॉमस इज लाइक अ ब्लेसिंग विद एक्टिव स्टूडेंट्स एंड बेनाइन हायर अथॉरिटी। स्पेशल की फीचर्स आर द वैल्यूज एंड मॉरल्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, well equipped technology aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve, an ideal place for learning.